ओम शांति। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होगी। असंतुष्ट आत्मा स्वयं ही अपने मन से भारी होगी। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा। ये बोलते थे, ये करते थे, यह आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा कि ऐसा ना बोलते, ऐसा ना करते, ऐसा ना करते, वैसा ना बोलते। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी यह संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा। ये सच्चा पुरुषार्थी है जो हमेशा अपनी चेकिंग कर रहा है क्या कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था। यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को आएगा, यह भी नहीं आएगा। जैसे आपका व्यवहार दूसरे के साथ कैसा है, अगर आपको यह ख्याल ही नहीं आ रहा कि आप दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो आप एक अलबेले पुरुषार्थी। और जो सच्चा पुरुषार्थी आएगा उसको ये रहेगा कि मैं इस चीज को अच्छे से बोल सकता हूं, अच्छे से कर सकता था, लेकिन मैंने अपना व्यवहार दूसरे के साथ अच्छा नहीं किया। सच्चा पुरुषार्थी अपनी चेकिंग तो करेगा ही, और अलबेला पुरुषार्थी करेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जो उसका दूसरों के साथ व्यवहार है जिसमें वो अपनी चेकिंग नहीं कर रहा, तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा, क्योंकि उसका जो व्यवहार दूसरों के साथ है उसमें क्या किया उसने, उसने ध्यान ही नहीं दिया। और धीरे धीरे दूसरी आत्माओं के द्वारा जो वाइब्रेशन उसको मिलेंगे उससे वो हल्का हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो दूसरों को संतुष्ट नहीं करता, भारी रहता है। वंडरफुल बात है। फिर कई आत्माएं कहती है मेरे खुशी जाने का कारण कोई और है। नहीं, आपका अपना व्यवहार, आप किस तरह से संबंध में आ रहे हो जिसके कारण आप अलबेले पुरुषार्थी हो, और धीरे धीरे हल्का हल्का आपके ऊपर बोझ पड़ता जा रहा है, इसलिए आप खुश नहीं रहते हो। और यही बोझ आपको हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए आप कहते हो सच तो बिठो नच। क्या कहते हो? सच तो बिठो नच। जो सच्चा होगा वो नाचेगा, वो हल्का होगा। अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा, वो अंदरूनी खुश होगा, क्योंकि उसका जो दूसरों के साथ व्यवहार है उसमें वो अपनी चेकिंग भी करता है और परिवर्तन भी करता है, क्योंकि वो सच्चा पुरुषार्थी है। कुछ समझ आया? तो सुना होली हंस की परिभाषा, ये है होली हंस। ऐसा कहना कि मैं होली हंस ब्राह्मण आत्मा हूं कितना आसान है अपने आप को कहना, लेकिन इसकी गहराई में जाओ तो सही मायने में होली हंस है या नहीं है ये आपको पता पड़ जाए। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो, संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वे कहां तक बने हैं। अगर ड्रामानुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए, मान लो आपको शरीर छोड़ना पड़े आज अभी इस समय, तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे? क्या समझते हैं? आज इसी घड़ी अगर शरीर छोड़ना पड़ जाए तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी परसेंटेज से पास होंगे? वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो, हम थोड़ा पुरुषार्थ अच्छा कर ले, दूसरों के साथ व्यवहार। जैसे किसी को पता चलता है कि 6 महीने हैं मेरे जीवन में, तो वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो बताओ, वो लड़ेगा दूसरों के साथ?
भिड़ेगा, क्या व्यवहार करेगा, उसको पता है मेरे पास 6 महीने, तो वो अपने सारे संबंधों को कैसे लेके चलेगा, चीजों को कैसे सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं उसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन वो किस नजरिए से देखने लगेगा। तो वही बाबा सिखाना चाहते, क्योंकि पता तो है नहीं ना कब कौन शरीर छोड़ दे। तो क्या उस समय ड्रामा को कहोगे कि थोड़ा समय रुको, मुझे थोड़ा समय दे दो? यह तो सोचकर नहीं बैठे हो ना कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं, कि अगर हम तो अभी छोटी छोटी एज है हमारी, हम तो अभी जाने वाले नहीं है। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष हैं, ऐसा तो नहीं समझ रखा कि 10-11 वर्ष तो हैं, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। जब आप समझते हो सृष्टि के विनाश की बात, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन अपना एवर रेडी पना, इसीलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसीलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना कि अभी तो हम छोटे हैं, अभी थोड़ा हमारी शरीर छूट जाएगा। इसको कहते हैं होली आंस। अच्छा, ओम शांति।